उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस के जांच के लिए बनाए गए लैब को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले दुश्मन की पहचान करनी होती है और उसे कैसे निपटाया जाए उसकी समीक्षा की जाती है। इसी के तहत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रदेश में टेस्टिंग लैब की क्षमता को बढ़ाया गया है, जिससे अधिक से अधिक टेस्ट कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें लैब टेक्नीशियन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक टेस्ट करा के कोरोना वायरस को समाप्त किया जाए। एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तेईस मार्च को 72 टेस्ट हो रहे थे, 1 अप्रैल को 220 पे पहुंचे और उसके बाद 10 अप्रैल को 10 दिन में ही 5 गुना हो गया, 1053 और उसके बाद 16 अप्रैल को 2615 टेस्ट हुए, 37 गुना। ये मात्र 3.5 सप्ताह में नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाए गए हैं, इतनी बड़े बढ़ोतरी। और ये सारे टेस्ट हमारे पब्लिक लैब्स में हुए हैं। महाराष्ट्र या राजस्थान जैसे प्रदेश जो अभी हमसे आगे है क्यूमुलेटिव टेस्टिंग में, वहाँ मेजर बड़े प्राइवेट लैब में दिखाए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। इसमें 23,393 इतनी क्यूमुलेटिव टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई। आज जो ये बैठक आउट की गई है, इस बैठक का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि आने वाले समय में चूंकि टेस्टिंग पर जोर है और आप सभी इंस्टीट्यूशन चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप लोग बायो सेफ्टी के प्रिकॉशंस को लेते हुए मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन आगे हमें कैपेसिटी और भी बढ़ानी है। 3,000 से संतुष्ट नहीं होना है और इसमें जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोग आगे एक एक को टेकअप करेंगे तो आप कहाँ पर हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे, किस टाइम फ्रेम में बढ़ेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। वीक में जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, 6 PCR मशीन्स, 6 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी लैब्स को अगले एक हफ्ते में सप्लाई करने जा रहे हैं। झांसी में हम एक मशीन और दे रहे हैं, प्रयागराज में दे रहे हैं, गोरखपुर में दे रहे हैं, हम मेरठ में दे रहे हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं। इससे 600 टेस्ट पर डे की कैपेसिटी एक सप्ताह में बढ़नी चाहिए। अपनी टीम को ट्रेन कर लीजिए और उसके हिसाब से मशीन सारे के कैलिब्रेशन करते हुए हफ्ते भर में काम चालू होगा। की एक्सपर्ट मशीन लगी हुई है, नेशनल टीवी प्रोग्राम में आ गए इसको टेस्ट कर दीजिए। इसमें बहुत बड़ा रोल आपका है। हम किसी भी लड़ाई को जब देखते हैं तो सबसे पहले दुश्मन की पहचान अत्यंत आवश्यक है। कब, कहां और कब कैसे वह हम पर अटैक कर सकता है, इसकी जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उस प्रक्रिया के पार्ट बने हुए हैं। जहां पर अब तक दुनिया के अंदर देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि यहां पे समय पर लिए गए निर्णय का परिणाम ये रहा कि हमने काफी हद तक इन्फेक्शन को रोका है, लेकिन एक तो संस्थाओं और लोगों की लापरवाही का परिणाम है कि पूरे देश के अंदर आज ये संख्या 10,000 को क्रॉस किया है। लॉकडाउन से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं और पूरा देश जैसे अगले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लॉकडाउन की इस प्रक्रिया में उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है, कोई संदेह नहीं कि हम कोरोना जैसे वायरस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल होंगे। पूरी तरह यह संभव है, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका है वह आपकी है और इसमें भारत सरकार भरपूर मदद कर रही है,
हम लोगों ने भी प्रदेश के अंदर कोविड केयर का जो फंड यहाँ पे बनाया है उसका उपयोग हम लोग टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करने के लिए, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री के हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अन्य कार्यों की, जिससे हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं उसी पर हम लोग कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर जो टेस्टिंग लैब्स हैं आज वह एक संतोषजनक स्थिति में हम पहुंचे हैं। 3 मार्च को हमारी क्षमता केवल 72 टेस्ट प्रति करने की थी और आज हम 3000 तक पहुंचे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी जितनी ज्यादा है, 30 करोड़ की आबादी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमें प्रदेश के अंदर टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इसमें कल एक बड़ा कार्य जो केजीएमयू में प्रारंभ हुआ है पूल टेस्टिंग की, और उसके जो परिणाम आए हैं बहुत उत्साहवर्धक आए हैं। मेरे सामने जो आंकड़े हैं, मैंने कल जो पूल टेस्टिंग की जो रिपोर्ट ली है, क्योंकि मैं स्वयं इसको व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक लैब के द्वारा आने वाले परिणाम को स्वयं ही मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। ये बहुत अच्छा, और यूपी जैसे स्टेट के लिए ये मैं मानता हूँ कि यहाँ के अधिक से अधिक लोगों की हम कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकेंगे, यह उस दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है।